टेंथ की साइंस की वर्कशीट आ गई है, वर्कशीट नंबर 11, तारीख है 29 जुलाई 2020। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेटा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस फटाफट मिलते रहें। चलिए चलते हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आज हम पढ़ने वाले हैं। ये एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स हम लोग काफ़ी वर्कशीट से पढ़ रहे हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड कैसे पीएच के स्केल पर कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन सी चीज़ एसिडिक है, कौन सी चीज़ बेसिक है और कौन सी चीज़ सॉल्ट है यानी न्यूट्रल है। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट एंड वी ऑलरेडी नो। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, बेस प्लस एसिड मिलते हैं, सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हमने लिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हाट वी गेट सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक एंड वाटर वी गेट। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, आगे हम लोग वर्कशीट में चलते हैं। ऑल एसिड्स जनरेट H3O+ और H+ आयंस ऑन रिएक्शन विद वाटर एंड ऑल बेसिस जनरेट OH- आयंस इन वाटर। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, जो H+ प्लस आयंस रिएक्शन में देते हैं वो होते हैं एसिड, हम लोगों को पता है, और जो OH- देते हैं वो होते हैं बेसिस। ठीक है, बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। तो देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली, नेवर इंटरचेंज बेसिस। जो कि ऐसे बेस जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कली कहते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पर HX होता है, H मतलब हाइड्रोजन आयन है, X प्लस M और यहाँ पर होता है OH, और H और OH मिल जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है ये वाटर HOH। यहाँ पर दिखाया गया है वाटर, तो यानी H प्लस यहाँ से मिलता है, OH माइनस यहाँ से मिलता है और यहाँ पर हमारे पास वाटर ऐसे फॉर्म होता है। आज हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में ये वर्कशीट है, वो है pH स्केल। pH स्केल एक स्केल है जो 1 to 14 तक जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बेसिस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH आयंस रिप्रोड्यूस्ड। जो प्रोड्यूस किए गए हैं OH आयन और H+ आयन, जो जितने ज़्यादा करेगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक, और OH जो जितने ज़्यादा करेगा वो उतना ज़्यादा बेसिक। एसिड्स दैट गिव राइज टू मोर H+ आयंस आर सेड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड एसिड्स दैट गिव्स लेस एच प्लस आयंस आर कॉल्ड वीक एसिड। कोई दिक्कत, ऐसा ही होता है बेस के साथ, जो कम OH आयंस देते हैं वो होते हैं कम बेसिक, और जो ज़्यादा OH आयंस देते हैं वो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन कॉल्ड pH स्केल हैज़ बीन डेवलप्ड। जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पढ़ाएगा, मतलब कि कितनी कंसंट्रेशन है उसको नापेगा, उसको कहते हैं pH स्केल। pH स्केल होता है पोटेंशियल ऑफ H+, पोटेंशियल ऑफ H+ यानी कितने H+ हैं उसका पावर या पोटेंशियल को कहते हैं pH। H+ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल नोइंग हाउ एसिडिक और बेसिक अ सॉल्यूशन इज। अगर अब यहाँ पर ये स्केल बना है, स्केल को समझने की बिल्कुल आराम से कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी कैसे बेटा, मैं बताती हूँ। यहाँ पर जो होगा सात पर है ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। जो सात से ऊपर है वो बेसिक है, और जो सात से नीचे है वो एसिडिक है। ये बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आई। जो यहाँ पर है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो यहाँ पर है ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये न्यूट्रल है। अब समझ में आई बात, यानी कि pH जितना कम होगा उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और इस तरफ pH 7 से जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। ये बात समझिए, फिर से समझिए, मैं फिर से बताती हूँ। अगर pH 1 से 7 तक है, 1 से 6 के बीच में, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं बेटा, एसिडिक। pH एक एसिड का pH है 1 और एक एसिड का pH है 6, तो कौन सा ज़्यादा एसिडिक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर, लिख लिया, लिख लो फिर पता चलेगा। pH 1 to 6 जितने भी होता है वो सारा एसिडिक होता है। pH 1 है एक एसिड का और एक का pH 6 है, तो किसका pH ज़्यादा हुआ यानी कौन ज़्यादा हुआ, अभी देखते हैं।
स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में फ़र्क दिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड पूरी तरह आयोनाइज हो जाते हैं, यानी कि पूरी तरह H प्लस आयंस दे देते हैं। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड पूरी तरह डिसोसिएट नहीं हो पाते, यानी H प्लस आयन नहीं दे पाते। यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है, बिल्कुल सही, यहाँ लेस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड हैं? HCl, H2SO4, HNO3, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 नाइट्रिक एसिड। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड। तेजाब जिसको बोला जाता है वो इसी का लिक्विड फॉर्म होता है। वीक एसिड हैं CH3COH, H2CO3, ये हैं कम एसिडिक होते हैं, बहुत माइल्ड एसिड्स हैं। स्ट्रॉन्ग बेस 100% आयोनाइज हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे, यानी OH आयंस ज़्यादा देंगे स्ट्रॉन्ग बेस और कम देंगे वीक बेस। हैव हायर कंसंट्रेशन ऑफ OH, लेस कंसंट्रेशन। एग्जांपल स्ट्रॉन्ग का क्या है NaOH, KOH और वीक का क्या है NH4OH। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए वापस चलते हैं स्केल पर एक बार। इस वर्कशीट को वाइंड अप करने से पहले एक बार वापस चलते हैं स्केल की तरफ। स्केल देखो बच्चे, फिर से बता देती हूँ, 1 से 14 होता है। ये न्यूट्रल है, ये वाला पोर्शन को हम न्यूट्रल मानते हैं। आपका पीएच, ब्लड का पीएच भी 7.4 होता है लगभग, मतलब थोड़ा सा एल्कलीन ही मानेंगे इसको, थोड़ा बेस की तरफ है क्योंकि 7 कुछ है तो बेस की तरफ, यानी एल्कलीन होता है वाटर ब्लड का। लेकिन प्योर वाटर यानी कि 7 को हम मानेंगे प्रॉपर न्यूट्रल। इधर जाएंगे तो एल्केलाइन ज़्यादा होता जाएगा या ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। ये बात समझ में आ गई? जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वीक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, इस तरफ है। यहाँ पर भी इंक्रीजिंग एसिडिटी है, एसिड प्रॉपर्टीज़, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे इस तरफ, 0, 1, 2, 3 वाले होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड और इधर वाले होंगे वीक एसिड जो पास में होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलें एक बार वर्कशीट देखें, आप वर्कशीट में क्या पूछा गया। लेट्स गेट टू द वर्कशीट। वर्कशीट सेज बेटा, यू हैव टू सॉल्यूशंस ए एंड बी। पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6, ठीक है, ए का है 6, पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। विच ऑफ दीज हैव हायर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन? ये वाला ऑब्वियसली एसिड है, एसिड में क्या होती है हायर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हायर हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाता, OH माइनस पूछा जाता, तो वो किस में होती, 8 वाले में, क्योंकि ये बेसिक है, एल्कलीन इन नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द अबव क्वेश्चन विच ऑफ द टू सॉल्यूशन ए एंड बी इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक? 6 वाला ए इज एसिडिक, ए फॉर एसिडिक, और ये जो बी वाला है ये क्या है, बेसिक है, क्योंकि इसका 7 प्लस है। मैंने क्या बताया, 7 से इधर बेसिक होता है, इधर एसिडिक होता है। फ्रेश मिल्क हैज़ अ पीएच ऑफ 6, फ्रेश मिल्क पीएच ऑफ 6 रखता है। हाउ डू यू थिंक पीएच विल चेंज व्हेन इट्स टर्न्ड टू कर्ड? जब ये दही बन जाती है तो इसके पीएच का क्या होता है, ये है क्वेश्चन। वेट, चलिए, क्वेश्चन कह रहा था कि पीएच का, जो फ्रेश मिल्क का पीएच होता है वो 6 के अकॉर्डिंग होता है। जब वो दही बनता है तो क्या होता है बेटा, देखो दही में बनता है एसिड, लैक्टिक एसिड, तो क्या होता है दही में जब वो चेंज होता है तो उसका पीएच नीचे चला जाता है, पीएच और नीचे चला जाता है, यानी कि अभी पीएच 6 है तो लगभग दही का पीएच 5 हो जाता है। ठीक है, पीएच लोअर्स व्हेन द मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, राइट द नेम ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड टू स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये लो आंखें आधी तले अंधेरा, ये रहे बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स और ये रहे स्ट्रॉन्ग बेस। चलो, ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, प्योर वाटर हैज़ अ पीएच ऑफ 7, व्हाट वुड बी इट्स नेचर? इट इज़ न्यूट्रल। क्या होगा नेचर? न्यूट्रल होगा बेटा, 7 है तो इट इज़ न्यूट्रल इन नेचर। कोई दिक्कत नहीं समझने में? आई होप ये पूरी वर्कशीट अच्छी तरह कवर हो गई है। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए और शेयर करती रहिए वीडियोस को। लेट्स जीके पर फिर मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ। बाय बाय।